SMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज। अगर मैं आपसे कहूं कि हरिद्वार की हर की पौड़ी पे गंगा की 4 साल बाद वापसी होने जा रही है, आप कहेंगे ये कैसा मजाक है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ना जाने कब से गंगा हर की पौड़ी पर ही बहती आई है। तो ये जानने के लिए देखें हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में जब कांग्रेस की हरीश रावत सरकार सत्ता में थी, तो उस दौरान एक शासन देश जारी किया गया था। शासन देश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसमें कहा गया कि सर्वानंद घाट से शमशान घाट खड़खड़ी तक, वहां से हर की पौड़ी होते हुए डाम कोठी तक और डाम कोठी के बाद सती घाट कनखल से होते हुए दक्ष मंदिर तक बहने वाले भाग को स्केप चैनल माना जाता है। यानी तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने हर की पौड़ी से पहले और हर की पौड़ी के बाद बहने वाली करीब 3 किलोमीटर गंगा नदी का नाम बदलकर स्केप चैनल कर दिया था। अब साल 2017 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई और मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद अपना चुनाव भी दो दो जगह से हार गए, जिसमें एक सीट हरिद्वार ग्रामीण की शामिल थी। इसके बाद एक तरफ जहां हरीश रावत ने अपनी सरकार की तरफ से किए गए इस काम के लिए माफी मांगी, वहीं बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर 17 दिन बाद हरिद्वार आए, तो उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार ने गंगा नदी का नाम बदलने का जो गलत काम किया था, उसको उनकी सरकार तुरंत सुधारने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज़ इंडिया।